हाय फ्रेंड्स, मैं कानन आप सबको फिर से बहुत 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 स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे लिवर्स ऑफ लाइफ विद कानन। तो ये जो है दिस पर्टिकुलर वीडियो इज डेडिकेटेड टू माय महाबलेश्वर ब्लॉग। तो हम एक डेढ़ महीने पहले महाबलेश्वर गए थे जब बारिश चल ही रही थी। तो वी वांटेड टू एक्सप्लोर द ब्यूटिफुल मॉनसून्स इन महाबलेश्वर। एज यू कैन सी पूरा वेदर ऐसे ही रहा, पूरा रास्ता पूरे सब मिस्ट से भरा, फॉग से भरा, क्लाउड से भरा। बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस रहा और द जर्नी वॉज सो मेस्मराइजिंग कि क्या बताऊँ। आप देख ही सकते हैं हमारे चेहरे पे कितना सुकून है। इट वॉज सो ट्रैंक्विल। और नेचर में जाना तो हम सबको ही पसंद है, शहर के हंसी बसों से थोड़ा दूर, थोड़ी सी टाइम रिलैक्सेशन के लिए, अपने माइंड को बॉडी को रिबूट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने भी प्लान किया एंड तो ये हमने अपने रिजॉर्ट में चेक इन किया। रिजॉर्ट में आने का वीडियो मैंने लिया था गाइस डे टाइम का, लेकिन वो मेरे फ़ोन से डिलीट हो गया। माय फ़ोन गॉट वो पता नहीं क्या हो गया, डैमेज हो गया, हैंग हो गया। बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ वहाँ भी थे, वो सब गड़बड़ हो गया। तो मेरे पास जो भी था आई एम शेयरिंग विथ यू। सो दिस इज़ द ब्यूटिफुल लॉबी ऑफ द एवर शाइन रिजॉर्ट्स इन महाबलेश्वर। हमको बहुत अच्छा वेलकम किया उन लोगों ने विद अ वेलकम ड्रिंक। और ये इसका बैकयार्ड है जो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया इन द रेन। मुझे बहुत पसंद है मानसून, इट्स माय फेवरेट सीज़न। आई कैन सी द रेन्स जस्ट ऑन एंड ऑन एंड ऑन, मैं देखते बैठ सकती हूँ। बहुत पसंद है बारिश। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि ये जो बैकयार्ड में बहुत सारा ओपन थे, रेस्टोरेंट से ले लीजिए या प्ले एरिया ले लीजिए, एक्टिविटी एरिया ले लीजिए, बहुत कुछ था, स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ। बट एज यू नो द वेदर वॉज सच, वो सब यूज़ नहीं हो पाया। बट स्टिल तो हमने फिर रूम में चेक इन किया। हमने दो रूम लिए थे, एक हम दोनों के लिए और एक हमारे बच्चियों के लिए। अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको सेपरेट रूम तो चाहिए ही। द रूम इज़ वेरी गुड और स्पेशली द बैल्कनी। वाओ, सी क्या खूबसूरत व्यू था। इधर तो खड़े खड़े ज़िंदगी बिता सकते हैं। बारिश हुए जा रही थी, हवाएं चल रही थी, चारों तरफ ग्रीन ग्रीन ग्रीन। हमने थोड़ा सा टॉयलेट वगैरह सब एक्सप्लोर किया, एवरीथिंग वाज परफेक्टली फाइन। एंड फिर हम थोड़े से फ्रेश हो गए जाने के लिए, तो बाहर नीचे लंच करने के लिए। तो क्योंकि वेदर बहुत ठंडा हो रखा था तो वी डिसाइडेड टू हैव सम सूप एंड सम ड्राई स्नैक्स। तो नेचर का मज़ा लेते हुए हमने थोड़े से सूप लिए, थुपका लिया, नूडल सूप, फिश एंड चिप्स एंड ऑल, ये सब लिया। देन वी डिसाइडेड टू गो एंड एक्सप्लोर लिटिल बिट। अभी बारिश में अब क्या देखें, क्या इतना ज़ोर से हो रहा था, हमने डिसाइड किया चलो वैक्स म्यूजियम चलते हैं। वैक्स म्यूजियम में जाने के बाद हमें दिखा एक बहुत ही तो फिश का एक्वेरियम हमने देखा एंड देन द वैक्स म्यूजियम विच हैड लॉट ऑफ ब्यूटिफुल वैक्स स्टैचूज ऑफ द सेलिब्रिटीज, हॉलीवुड, बॉलीवुड। हमारे मोदी जी का भी था और अन्ना हजारे जी का भी था, मदर टेरेसा, ऑल दोज सोशल रिफॉर्मर्स उनके भी थे। तो वो हमने देखा, बहुत अच्छा लगा देख के ये मेरे दो एक्स म्यूजियम। और फिर हम लौटे, तो लौटते टाइम मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया द एंट्रेंस गेट। तो ये पूरा दिन में पूरा ग्रीन, रात में पूरा ब्लैक, ये लाइटिंग हो गई थी बहुत बढ़िया। फिर हम डिनर के लिए नीचे आ गए, डिनर किया, फिर हम जल्दी थोड़ा सोने चले गए क्योंकि हमको अगले दिन पूरा दिन एक्सप्लोर करना था।
सुबह सुबह नेचर का लुफ्त लेते हुए उठाते हुए गरम गरम चाय की चुस्कियाँ लेते हुए फिर हमने पूरे दिन का प्लान बनाया, जो कि आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।